खानी? कुछ खाया भी नहीं खाने में। खाया नहीं जा रहा। पर इसीलिए तो ये मेडिसिन दी है ताकि तुम बेटर फील करो। आप कल ऑफिस जाएंगे क्या? हाँ, एक्चुअली कल एक डेलीगेशन आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। ठीक है, चले जाएगा। तुम अनुषा को बुला लो। मैंने उसे फोन किया था, आजकल उसके ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं पूछ लूंगी। सही। एक काम करते हैं ना, कल मैं जल्दी वापस आता हूँ तो फिर कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ चलें? कहीं भी, समंदर पे चलते हैं। ठीक, लेकिन मेरा समंदर तुम्हारे सामने। अपना ख्याल रखो। आप यहां क्या कर रही? आपके कुछ गिफ्ट्स रह गए थे क्या? अच्छा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अंदर चलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलो आओ। क्यों? जिस चौखट को आप बहुत तकब्बुर से ठोकर मार के चली गई थी, वहां पर दोबारा कैसे आना होगी? ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं कह कर गई थी कि इस दरवाजे पे दोबारा नहीं आऊंगी, बल्कि यूं कहो कि लात मार कर गई थी। लेकिन क्या करूं, अपने बेटे के हाथों मजबूर होके मुझे आना पड़ा। मुझे ना ही आपसे कोई मतलब है और ना ही आपके बेटे से। तुमने पता नहीं मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है? वो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उसे शादी के नाम से नफरत हो गई है, नफरत। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बेटे की खातिर तुम्हारे पास आना पड़ा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। तो देखो, मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूं कि प्लीज, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। प्लीज ये बातें बंद करें और जाएं यहां से, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओ, तो तुमने नौकरी शुरू कर दी है? जाहिर है भाई, एक बार चौखट से अगर बारात वापस चली जाए ना, तो दोबारा से बारात आना बहुत मुश्किल है।